नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे, देख लीजिए पूरा वीडियो को, ये चौखट कैसे मापते हैं, इसका प्राइस कैसे लगता है। ये देखिए, इसका मोटाई 3 इंच है, देख रहे हैं, 4 दिखाई दे रहा है, 4 सीधा यहां तक लेंगे, ये जो है 3 इंच है यहाँ पर, इस यहाँ पर ये 3 इंच इसका मोटाई है। और इधर इसका चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई ये 5 इंच है, 5 इंच चौड़ाई है, ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट, ये देख लीजिए। और इसका लंबाई तो जानते हैं आप लोग, ये लंबाई पूरा 7 फीट रहता है। तो इसका प्राइस कैसे लगता है और कैसे लगाते हैं, इसका क्यूबिक फीट में हम लोग जानेंगे, पूरा वीडियो को देखिए। अभी जो माप किए हैं वो लकड़ी इस तरह से है, मान के चलिए ये लंबाई ये 7 फीट है। अब ये जो मोटाई ये 3 इंच है और इसका चौड़ाई इस बिंदु से इस बिंदु तक 5 इंच है, अभी जो मापे हैं वो। इसको कैसे मापते हैं, कैसे प्राइस लगाते हैं, कैसे रेट लगाते हैं, इसको देख लीजिए पूरा वीडियो को। इसको आसान सा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई की जगह हमें 3 इंच हाइट मोटाई को रख दीजिए आसानी से। जैसे लंबाई 7 फीट है तो इसको पहले सजातीय फीट में है तो सभी को फीट में बदल लीजिए। यदि इसको फीट में बदलना चाहेंगे तो 5/12 कर दीजिएगा और भाग कर दीजिए। इसी तरह इसको फीट में बदलेंगे तो 3/12 कर दीजिएगा, इसका एंसर आएगा, उसको 7 से गुणा कर दीजिएगा तीनों को। इसको भी यानी कि तीनों को गुणा करना है। यहाँ पर हम लोग ये 7 फीट इसको इंच में बदल लेते हैं। 1 फीट बराबर लिख लीजिए इसको भी, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, ये 12 इंच होता है 1 फीट बराबर। तो 7 फीट बराबर 12 × 7 = 84 इंच होगा, 84 इंच। इसको अब हम सजातीय बना लिए हैं, ये 5 इंच है, ये 3 इंच है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई इसको जानते हैं, इसी तरह से गुणा कर दीजिए। लंबाई 84 इंच गुणे 5 × 3, तो गुणा कर लीजिए बराबर आता है, एंसर इसका आता है ये 1260 घन इंच। ये कितना है, इतना घन इंच का लकड़ी है, 1260 घन इंच। तो कितना घन फीट है इसको जानने के लिए, 1 घन फीट को समझ लीजिए, 1 घन फीट, 1 घन फीट बराबर ये 12 × 12 × 12 कर दीजिए, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 1 घन फीट बराबर होगा। तो इसका होता है 1728 घन इंच होता है, 1 घन फीट बराबर 1728 घन इंच। कैसे देख लीजिए, इस तरह से यदि 1 घन फीट का है लकड़ी तो आप इसे इसको समझ लीजिए, ये देखिए ये रहा ऐसे ऐसे, ये जो है 1 घन फीट का ये लकड़ी है, यहां से यहां तक 1 फीट, ठीक, 1 फीट बराबर 12 इंच, इसको देख लीजिए 12 इंच, और इस भुजा से इस भुजा तक 12 इंच, और इस बिंदु से इस बिंदु तक इसका मोटाई भी 12 इंच है। तो इसी को 12 × 12 × 12 कर दिए हैं, 1 घन फीट बराबर 1728 घन इंच होगा। अब इससे भाग कर दीजिए आसानी से, ये 1260 को फीट घन फीट में बदलने के लिए 1728 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए इसको, इसके बराबर 0.0075
7 2 9 1 6 6 6, इस तरह से दशमलव के बाद और भी है, इतना घन फीट है। एक एक चौखट एक लकड़ी जो है ये 7 फीट लंबाई और 5 इंच चौड़ाई और 3 इंच मोटाई का लकड़ी इतना घन फीट है। अब ये दो लगता है, एक दरवाजा के चौखट में 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने पर 1.45833, इस तरह से इतना घन फिट होगा। दो ये लंबा वाला 7-7 फीट का 2 चौखट का लकड़ी इतना घन फिट होगा, लेकिन इसमें 3.5 इस तरह से रहता है, चौखट इस तरह से रखता है। इसका और इसका तो हमने निकाल लिया, 1.45833 घन फिट, लेकिन इसका ये भी जो है 3.5 फीट का रहता है, 3.5 फीट का। 3.5 फीट बराबर कितना इंच होगा, इससे 12 से गुणा कर दीजिए। इसको 12 से गुणा करने पर बराबर होगा, 12 से गुणा करने पर इसका ये 42 इंच होता है। 42 इंच कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये 42 इंच होगा। अब ये 42 इंच को इसी तरह इसका इसका भी क्यूबिक फीट में मान निकाल लीजिए, 42 × 5 × 3, ये मोटाई और चौड़ाई तो सेम है, बराबर है, तो इसलिए 5 × 3 तो बराबर होगा। कैलकुलेट इसको करने पर 630 घन इंच होगा। इतना घन इंच होगा ये 3.5 फीट का लकड़ी का। अब इसको फीट में बदल लीजिए, ये 1728 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा। 1700 इसको भाग करने पर ये 0.36453833, इस तरह से दशमलव के बाद और भी है, टोटल पूरा एक दरवाजा में 1.45 को जोड़ दीजिए, 1.45833, तो 1.45833 इधर ये पूरा जोड़ देंगे, प्लस कर दीजिए, तो पूरा दरवाजा का घन फीट में आंसर निकल आता है, आंसर आता है तो 1.822 घन फीट। इतना घन फीट होगा पूरे दरवाजा के लिए। आप मकान बनाए हैं तो 1.82 घन फीट होगा। यदि 1 घन फीट बराबर 1 घन फीट बराबर ये 2000 प्राइज है, आरएस है, तो इसको 2000 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, तो 1.822 घन फीट का देख लीजिए, 2000 से गुणा करने पर ये 3645 रुपये होगा। यह जो है दशमलव के बाद पूरा 10 डिजिट लीजिएगा तो इतना होगा, और 2 डिजिट लीजिएगा तो 40 ही आएगा, ये 3640 ही होगा। ये पूरा डिजिट कैलकुलेट करके जोड़ते हैं तो इतना 3645 रुपये होगा। इस साल वृक्ष का अधिकतर यहाँ 2000 घन फीट मिलता है, इसमें प्लस लगा लीजिएगा 500-600 फिटिंग चार्ज, 500 लेते हैं कभी 600 लेते हैं, इसमें प्लस कर दीजिएगा 500, तो पूरा दरवाजा चौखट का प्राइज होता है। इस तरह लकड़ी के अनुसार है, अलग अलग लकड़ी का प्राइज अलग अलग है और जगह के अनुसार भी है। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।